जय श्री राधे। आप सभी हरि भक्तों को, मैं आचार्य श्रीकांत पांडे बनारस यूनिवर्सिटी से आचार्य हूँ। आज आप लोगों के समक्ष कुछ मैसेज, लोगों के प्रश्न थे गुप्त नवरात्रि को लेके, तो उन्हीं की चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहला प्रश्न था, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि कब से है? तो 27 जून से ले 19 जून से लेके 27 जून तक होगी। और दूसरा प्रश्न था, कौन कर सकता है? तो ये सभी के लिए होता है, स्त्री या पुरुष। बस ध्यान ये देना है कि जो भी साधक हों, क्योंकि ये साधनाओं के लिए विशेष होती है गुप्त नवरात्रि। जो भी साधक हों, किसी मंत्र की साधना, किसी स्त्रोत की साधना, जो भी साधना करना चाहें उनके लिए विशेष है, तो कोई भी कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, पूजन का मुहूर्त सुबह 5:23 से 7:27 तक ब्रह्म मुहूर्त में, ये पहला है। और दूसरा मुहूर्त है 11:55 से 12 बजे तक, दूसरा मुहूर्त है। तो आप उसमें कलश स्थापना कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, पूजन की विधि। पूजन की विधि, अगर सामान्य रूप से घर में आप पूजन करते हैं तो सामान्य वही पूजन है का समान होगा, रोली चावल कलावा, धूप दीप नैवेद्य, फल फूल मिष्ठान इत्यादि सामग्री होंगी। अगर आप साधना के उपलक्ष्य में या उद्देश्य से करते हैं तो साधनाओं की अलग सामग्री होती है, वो जिस चीज की आप साधना करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पूजन विधि पूछी गई है तो पूजन विधि मैं बता रहा हूं। बाकी किस चीज की आप साधना करना चाहते हैं, वो सभी चीजों की अलग अलग सामग्रियां होती हैं। और पूजन का समय भी अलग होता है, क्योंकि रात्रि काल साधना की जाती है, तंत्र साधना जो भी होती है वो रात में ही होती है। पांचवा प्रश्न है, करने के लाभ। हम जिस उद्देश्य से करते हैं उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। अब तंत्र साधना हम किसी के, अगर मान लिया किसी का बुरा करने के लिए करते हैं, तो वो साधनाएं हमारी सिद्ध नहीं होती। अगर हम स्वयं अपने कार्य के लिए करते हैं तो हमारी साधनाएं शीघ्र सिद्ध हो जाती है, और पूरा साल भर हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रयोग कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, किस चीज का पाठ करें? तो इसमें अपराजिता स्त्रोत, प्रतिंगिरा स्त्रोत, वन दुर्गा और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, इनका पाठ आप कर सकते हो सभी प्रकार की विजय की प्राप्ति के लिए। उसमें सभी प्रकार, यानी उसमें चाहे चुनाव का हो या कोर्ट का हो, या मान लिया आपका तलाक का मामला चल रहा हो, या फैक्ट्री का मामला है, धन से संबंधित है, सभी प्रकार की साधनाएं। उसमें विशेष अनिवार्य होता है संकल्प। हम संकल्प में, पूजन में जिस चीज का संकल्प यानी अपना उद्देश्य बोलते हैं, वही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो संकल्प विशेष अनिवार्य है इन सभी पूजना पूजन और जो भी हम साधना करते हैं या पाठ करते हैं, या मान लिया घर में एक माला भी हम करते हैं तो संकल्प लेके, क्योंकि संकल्प हमारा क्या होता है, एक लक्ष्य। मान लिया हम एक चिट्ठी लिखते हैं, जैसे पहले चिट्ठी चलती थी, तो उसमें कितनी भी अच्छी बात लिखें, अगर उनमें मान लिया पता नहीं लिखा है कि जाना कहाँ, तो चिट्ठी बेकार है, चाहे कितनी अच्छी बातें उसमें लिखी। तो इसी तरह एक छोटी पूजा हो या बहुत बड़ा यज्ञ हो, अगर उनमें संकल्प नहीं है तो वह सिद्ध नहीं हो सकती और अधूरी है, वो हमें प्राप्त नहीं होगी, चाहे पूरे जीवन पर्यंत हम पूजन करते रहें। तो ये चीजें, तो इसमें 10 महाविद्या की पूजा होती है और सभी प्रकार की कामनाओं, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग कामना होती है, तो किस चीज का पाठ करता है, किस चीज की पूजा होती है, तो इसकी अगर जानकारी आपको चाहिए कि किस चीज की हमें पूजा करनी चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं और उसकी
लिए हम आपको समाधान देंगे, या मान लिया कि दो तरीके से देखा जा सकता है कि आप किस चीज से करना चाहते हैं, किस चीज के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए पत्री भी सर हमारे यहाँ देखते हैं, तो वहाँ मैसेज करके व्हाट्सएप में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेज दें, तो पत्री देखने के बाद फिर आपको हम उपाय बताएंगे कि इस गुप्त नवरात्रि में किस चीज को आपको पूजा या साधना किस चीज की या किस चीज का अनुष्ठान करना चाहिए जो आपके पूरे साल में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। जय माता दी।